नमस्ते किसान भाई, मेरा नाम है स्वप्निल अंबुलकर। किसान बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृषि इंटरप्राइजेस की जो सोलर झटका मशीन है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसानों के लिए बांटी जा रही है कुछ परसेंट सब्सिडी पे। तो बहुत सारे स्टेट में ऐसी हड़बड़ मची हुई है कि कोई बोलता है कि ये सोलर फेंस गार्ड अलाउड नहीं है, झटका मशीन अलाउड नहीं है खेतों में, इससे कोई जानहानि हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सोलर फेंस गार्ड जो ऑथराइज्ड है, जिनके पास सर्टिफिकेशन वगैरह सब बना है, जैसे हमारे पास बना हुआ है, तो ही हमारे यहाँ पे अप्रूव हुआ है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो हमारे मशीनें जो है आप बेहिजक लगा सकते हैं। तो झटका मशीन जो होती है, तो कुछ लोकल भी मिलती है मार्केट में जो अप्रूव नहीं होती है, या उनका ऑथराइजेशन नहीं होता, या वो बेचने लायक नहीं होती, जो लगाने लायक नहीं होती। तो ये आप गाड़ी देख सकते हैं कि पूरी भर के लाई है। यहाँ पे कुछ मशीनें उतारे जा रही है हमारी अल्ट्रा पावर में। आपको अल्ट्रा पावर मशीन दिखाता हूँ कौन सी है। तो ये अल्ट्रा पावर मशीन है हमारी, जो एकदम बढ़िया ब्रांड है, ट्रस्टेड है। अगर आपको लेना है मशीन तो श्री का आप लोगों देख सकते हैं, श्री के लोगों आप देख सकते हैं, श्री का लोगों ये हमारा रजिस्टर्ड है, और इस कंपनी की आप मशीन परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मशीन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे और ये वीडियो में भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मशीनें बांटी जा रही है। साथ ये अधिकारी लोग हैं, तो जिनका परिचय हमारे सर देंगे आपको। आज इस प्रोग्राम को जो जिसे सौर कुंपन का कहा जाता है, और यहाँ के जो लोग हैं इनके लिए, जो भी यहाँ के वाइल्ड लाइफ है उनके संरक्षण के लिए, और इनका जो खेत के संरक्षण के लिए यहाँ के ये प्रोग्राम के लिए जो विशेषतः उपस्थित है हमारे सेमाड़ो ग्राम पंचायत को सरपंच साहब माननीय राजेंद्र सिमलकर ये दो शब्द बोले, ऐसे में उनको विनती करता हूँ। आज सिमाड़ो गांव में टाइगर प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारी समिति की तरफ से और टाइगर प्रोजेक्ट की तरफ से एक किसान के लिए बहुत बड़ा उपक्रम टाइगर प्रोजेक्ट ने रवाया है। जो जंगली जानवर हम जंगलों में खेती करते हैं, हमारी खेती पूरी जंगलों में है, और ना जंगल का नुकसान हो, ना जानवर का हो, और ना ही किसान का हो, इसके लिए शासन ने ये सोलर प्लान लाया और डिपार्टमेंट ने हमको मदद किए, इसलिए मैं टाइगर प्रोजेक्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही हमारे लोगों को सहयोग दे, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं, सारे लोग हमारे साथ में, टाइगर प्रोजेक्ट के भी जितने भी कर्मचारी अधिकारी है हमारे साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करते हैं, हम भी उनको साथ देते हैं वनों के अंदर। इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करने चाहता हूँ बैनर्जी मैडम, जो फील्ड डायरेक्टर मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट अमरावती, और हमारे सिपना वन्य जीव विभाग के उप वन संरक्षक दिव्या भारती मैडम, और हमारे यहाँ के वन परिक्षेत्र अधिकारी माननीय सचिन नवरे सर, जो अभी यहाँ उपस्थित है, और जवाहर कुंड के राउंड ऑफिसर खैरकर साहब, ये भी यहाँ पे उपस्थित है, और बाकी सब गांवकारी मंडली भी यहाँ पे है। और ये जो हमने जो स्कीम में से दिया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन योजना अंतर्गत दिया है, तो इसके अंतर्गत जिसमें 25% जो भी लाभार्थी हैं उनसे, और 75% गवर्नमेंट, ये हिसाब से दिया है। और मेरे हिसाब से इसका अभी एक अच्छा रिजल्ट आएगा, और इसमें से जन वन दोनों भी हम साथ में अच्छा निभाएंगे, और जन तो वन तो है, पर जन लेके ये वन संभालेंगे और इनके ऊपर ये जवाबदार रहेंगे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इनके सभी अधिकारियों का मैं एक बार और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें ये किसानों की सेवा करने का मौका दिया है। और ये किसानों ने हमारी यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मशीनें इस्तेमाल की थी और उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिला है, तब जाके हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेवा करने का मौका भी मिला है, और इन्होंने भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट किया। हमारी कुछ चीज़ें भी मतलब पड़तानी जिसको बोलते हैं किए, उसके बाद हमको ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है। तो हम भी हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट इनको डिलीवर करें और अच्छी से अच्छी सर्विस इनको दिए। हम श्री कृषि इंटरप्राइजेस सोलर झटका मशीन से यहाँ सेमाडोह में आए हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो सभी किसान भाई जो यहाँ पे खड़े हैं, और हमारे बाड़ापुरे सर भी यहाँ पे खड़े हैं, और समिति के अध्यक्ष और सरपंच साहब भी है यहाँ पे, श्रीमान राजेश जी सिमलकर, तो इनके हस्ते ये यहाँ पे वाटअप होने जा रहा है किसानों को। तो हमारा वीडियो बनाने का कारण ये है कि बाकी सभी किसान भाई क्या बोलते हैं कि झटका मशीन लगाना ये अलाउड है कि नहीं है। एक्चुअल में उनको पता नहीं रहता कि झटका मशीन ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी होती है,
तो आप लोकल कंपनी की झटका मशीन लेते हो जो अप्रूव नहीं होती, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी कॉमन नहीं होती, ना उनका कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना कोई उनकी लैब टेस्टेड कोई मशीन होती है, तो वो मशीन ना लगाए। किसी भी कंपनी की आप मशीन लो, पर वो मशीन ऐसे कंपनी के लिए जो वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उनका उस मशीन में मास्टर की वो कंपनी का होना चाहिए। तो ये मशीनें अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम सर के हाथों से किसानों को बांटेंगे, और ये सभी किसान भाई है, इनमें से कुछ किसान ऐसे भी है जो इन्होंने ऑलरेडी हमारी मशीन इस्तेमाल की है और फिर इन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया कि हमको श्री कृषि इंटरप्राइजेस का ही मशीन चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए। बताइए, आपने जो पहले मशीन इस्तेमाल किया अपना, उसका फीडबैक कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। सर को बताइए। बहुत अच्छा है, और उसमें यानी कि जानवर उनका भी नुकसान नहीं है और खेत का भी नुकसान नहीं है, खेती बचाने के लिए अच्छा है। झटका कैसा लगा आपको? अच्छा है। लगा कभी? हाँ। आपको लगा? हाँ। मरे नहीं ना? नहीं 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 नहीं। कुछ हमारे जो किसान भाई व्यूअर है इनको लगता है कि झटका मशीन से भी लोग मरते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है कि कोई कोई क्या करता है, किसी के खेत में इलेक्ट्रिक लाइट होती है तो मजबूरन वो इलेक्ट्रिक लाइट लगा देता है, क्योंकि मजबूरी होती है, खेत नहीं बचाएगा तो और क्या बचाएगा, तो उनको लगाना पड़ता है। तो ऐसी गलती ना करें, हमारी कंपनी की नहीं, चाहे किसी और कंपनी की आप झटका मशीन लो, पर झटका मशीन ही लगाओ, इलेक्ट्रिक करंट लगाने से अच्छा है। इन्होंने मशीनें हमारी वापरी है और इनको अच्छा खासा रिजल्ट मिला है, और हमें ये सेवा करने का इन्होंने मौका दिया है। हम इसकी भी इनके भी शुक्रिया अदा करते हैं और सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सर ने भी हमको यहाँ तक लाया, और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन किया कि मशीन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बैटरी के बारे में भी उनको इन्होंने बहुत तकलीफ दिया, ऐसी नहीं चाहिए वैसी चाहिए। तो थैंक यू सर, आप भी किसानों का बहुत ख्याल रखते हो, थैंक यू। और आप बाकी किसान भाई भी जो डर डर के जो सोलर झटका मशीन लगाते हैं कि लगाना है कि नहीं लगाना है, तो आप ये बिंदास करके लगा सकते हैं, आप उसका टेंशन ना लो, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये अप्रूव करती है और अभी तो सरकारी टेंडर भी निकलने लगे कि सोलर झटका मशीन लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से किसान लोग डरते हैं कि सोलर झटका मशीन बहुत खराब होती है या कोई मरता है, तो आप लोकल झटका मशीन ना लो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी भी कंपनी की लो जो ऑथराइज कंपनी है, जो एकदम बढ़िया कंपनी है, जिनका वाला वास्तव में बहुत सालों से है, जो इसमें अच्छी तरीके से मास्टर की कर चुके हैं, उन्हीं कंपनी से आप झटका मशीन लीजिए, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट भी मिले और वो मशीन में एक्यूरेसी भी हो और आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी मिले और मशीन अच्छी तरीके से चले और आपको रिजल्ट भी मिले और कोई जान और मान की कोई हानि ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।